एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। पहले के जमाने में यातायात सुविधाएं ना होने के कारण वह पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में उससे जो भी मिलता उससे केदारनाथ का मार्ग पूछ लेता और मन में भगवान शिव का ध्यान करता रहता। चलते चलते उसे महीनों बीत गए। आखिरकार एक दिन वह केदारनाथ धाम पहुंच गया। केदारनाथ में मंदिर के द्वार 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। वह उस समय पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। पंडित जी को उसने बताया वह बहुत दूर से महीनों की यात्रा करके आया है। उसने पंडित जी से प्रार्थना की, कृपा कर दरवाजे खोलकर मुझे प्रभु के दर्शन करवा दीजिए। लेकिन वहां तो नियम है, एक बार बंद, और नियम तो नियम होता है। वह बहुत रोया, बार बार भगवान शिव को याद किया कि प्रभु बस एक बार दर्शन करा दो। वह सभी से प्रार्थना कर रहा था लेकिन किसी ने भी उसकी एक ना सुनी। पंडित जी बोले, अब यहाँ 6 महीने बाद आना। 6 महीने बाद यहाँ के दरवाजे खुलेंगे। 6 महीने यहाँ बर्फ और ठंड पड़ती है। यह कहकर सभी वहां से चले गए लेकिन वह वहीं रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी और चारों तरफ अंधेरा हो गया। लेकिन उसे अपने शिव पर पूरा विश्वास था कि वो जरूर कृपा करेंगे। उसे बहुत भूख और प्यास भी लग रही थी। तभी उसने किसी की आने की आहट सुनी। देखा, एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहा है। वह सन्यासी बाबा उसके पास आकर बैठ गया। पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? उसने अपना सारा हाल सुना दिया और बोला, मेरा यहाँ आना व्यर्थ हो गया बाबा जी। सन्यासी बाबा ने उसे समझाया, खाना भी दिया और बहुत देर तक उससे बातें करते रहे। सन्यासी बाबा को उस पर दया आ गई। वह बोले, बेटा मुझे लगता है सुबह मंदिर जरूर खुलेगा, तुम दर्शन जरूर करोगे। इन्हीं बातों बातों में उस भक्त को ना जाने कब नींद आ गई। सूर्य के मध्य प्रकाश के साथ भक्त की आंख खुली। उसने इधर उधर बाबा को देखा किंतु वह कहीं नहीं थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता उसने देखा पंडित जी अपनी पूरी मंडली के साथ आ रहे हैं। उसने पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, कल तो आपने कहा था कि अब मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा और इस बीच कोई यहाँ पर नहीं आएगा, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उसे गौर से देखा, पहचानने की कोशिश की और पूछा, तुम वही हो ना जो मंदिर का द्वार बंद होने पर आए थे और मुझे मिले थे? 6 महीने होते ही वापस आ गए। भक्त ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं गया। कल ही तो आप मिले थे रात में, मैं यही सो गया था, मैं कहीं नहीं गया। पंडित जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने बाद आया हूं। तुम 6 महीने यहाँ पर जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित जी की सारी मंडली हैरान थी। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है? तब उस भक्त ने उसको सन्यासी बाबा के मिलने और उसके साथ की गई सारी बातें बता दी कि एक सन्यासी मंदिर के पट बंद होने के बाद यहाँ आया था। तब उस भक्त ने उसको सन्यासी बाबा के मिलने और उसके साथ की गई सारी बातें बता दी कि एक सन्यासी मंदिर के पट बंद होने के बाद यहाँ आया था। लंबा, बड़ी बड़ी जटाएं, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए और मृगशाला पहने हुए था। पंडित जी और सब लोग उसके चरणों में गिर गए। बोले, हमने तो जिंदगी लगा दी किंतु प्रभु के दर्शन ना पा सके। सच्चे भक्त तो तुम हो, तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए हैं। उन्होंने ही अपना योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया, कालखंड को छोटा कर दिया। यह सब तुम्हारे पवित्र मन, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास के कारण ही हुआ है। हम आपकी भक्ति को प्रणाम करते हैं। हर हर महादेव।